इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। फिर से कोरोना को लेकर क्या लॉकडाउन होगा का सवाल अक्सर लोगों के जहन में गश्त करता दिखाई दे रहा है। कोरोना को लेकर मुख्तलिफ मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर भारत में लाशों के ढेर लगे हुए, कईयों की मौत वैक्सीन लेने से भी होने की बात कही जा रही है, तो कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव होने के मामले सामने आए। अस्पतालों में बेड नहीं, रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग जारी है अब तो इसमें। भाजपा के लीडर भी मुलविस होने की बात सामने आ रही है। तकरीबन 4 करोड़ की रेमडेसिविर पकड़ी गई है जो महाराष्ट्र से गुजरात भेजी जा रही है, जिसमें भाजपा लीडरों के हाथ होने की इत्तला हासिल हुई। कर्नाटक में भी मामले बढ़ते दिखाई दे रही है, वैक्सीन की कमी को महसूस किया जा रहा है। तो मैसूर की ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जहां पर देहात में अवाम ने वैक्सीन लगवाने से ही मना कर दिया और कहा कि आप शहर के लोगों को ही वैक्सीन लगाओ, देहात में किसी तरह का कोरोना नहीं है। लिहाजा आज भी अवाम के जहन में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर है कि कहीं यह आबादी घटाने की साजिश तो नहीं। कुंभ मेले में शाही स्नान को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने कुंभ के मेले को खत्म करने की बात कही तो हरिद्वार साधु संतों ने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए कहा कि यह कुंभ किसी के कहने से ना तो शुरू हुआ है और ना ही किसी के कहने से बंद हो सकता है। 12 साल में यह शाही स्नान आया है तो मोदी के कहने से हम रोकने वाले नहीं है, बल्कि अपने वक्त तक चलता रहेगा। जबकि हर रोज 5,000 के करीब पॉजिटिव मामले कुंभ शाही स्नान में पाए जा रहे हैं। अब अस्पतालों का मामला भी अजीब नजर आ रहा है। हासिल तरह के मुताबिक और मुख्तलिफ जराये से यह बात सामने आ रही है कि किसी तरह की बिल्कुल देखभाल नहीं की जा रही है, बल्कि घर से अस्पताल में जाते ही मार दिया जा रहा है, ऐसा कईयों का इल्जाम है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जब एक सहाफी ने पूछा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है आपके इस इजलास में, तो उन्होंने जवाब दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग तो ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। मतलब आप मन की बात के जरिए कोरोना कितना खतरनाक है और आवाम को हिदायत देते रहते हैं, भाषण भी झाड़ते रहते हैं, पर खुद को यह अमल नहीं करते। वजीर आजम ने कल तमाम सेहत महकमाओं से मीटिंग तलब फरमाई और इनसे मशवरा भी किया। कोरोना कितना खतरनाक है और आवाम को हिदायत पर भाषण झाड़ते रहते हैं, खुद को यह अमल नहीं करते। वजीर आजम ने कल तमाम सेहत महकमाओं को कहा, जयपुर के अस्पताल में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, गरीब की जिंदगी और मौत भी मुश्किल कर दी गई है। कईयों ने यह भी इल्जाम लगाया कि हार्ट अटैक से मरने वालों को भी कोरोना कहकर मुर्दे को पैक किया जा रहा है और अस्पतालों में लापरवाही के चलते लाश कहां पर पड़ी है इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर कोई एक दूसरे की तरफ इशारा करते देखा जा रहा है। कई सारे इल्जाम अवाम की जानिब से किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अवाम बेहाल परेशान है। एक तस्वीर बंगाल की है जहां पर अमित शाह कहते हैं कि अगर लोग मास्क या किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं करते तो इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर सेहत महकमाओं को मीटिंग तलब फरमा कर सख्त कानूनों को नाफिज करने की हिदायत भी करते रहते हैं। पर बंगाल चुनाव में आवामी रैलियों के लिए खुद निकल पड़ते हैं। राहुल गांधी ने बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर बंगाल की तमाम चुनाव रैलियों को रद्द कर दिया, पर वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी तरह का कोई चुनावी रैलियों को रद्द करने का फैसला नहीं लिया। कहने का मतलब ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनके नजदीक महज चुनाव जितना इख्तदार की कुर्सी हासिल करना बहुत जरूरी है, बल्कि कोरोना से पूरा देश शमशान क्यों ना बन जाए। वैसे प्रधानमंत्री को हर कामयाबी का सहारा अपने खुद के सर बांधने की पुरानी आदत है, लिहाजा बढ़ते कोरोना मामले और मुल्क की मईशत बंद कारोबार एक बार फिर चुनौती बनते दिखाई दे रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर आपको इन तमाम पर काबू पाना नहीं आता तो आप इस्तीफा देकर चले जाए। आपकी तमाम हिदायत पर आवाम ने अमल किया, जनता कर्फ्यू से लेकर ताली थाली दियाबाती सब किया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क और रियासत में काफी तिजारत कारोबार संगीन दौर से गुजर रहे, लिहाजा किसी तरह का लॉकडाउन ना करना, क्योंकि आवाम कई शुबात का इजहार किया है। कोरोना गरीबों की झोपड़पट्टी में नहीं जाता, ऐसे अमीरों के पास ही जाता है क्या, ऐसा भी सवाल है। जो लोग 800 की रेमडेसिविर 20,000 में खरीद पाते हैं अब तो सियासी लीडर भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पर अक्सर मिडिल क्लास फैमिली को ही कोरोना दबोचता है क्या, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। मैं इस कोरोना से लोग मर रहे हैं तो अक्सर दिगर अमराज में होने वाली मौत क्यों नहीं हो रही। आम इंसान जहां कारोबार में मंदी से परेशान है तो अडानी अंबानी जैसे सरमाएदारों की आमदनी हजारों फीसद कैसे बढ़ रही है।
आम इंसान की शादी ब्याह इजलासों को पाबंदी के तहत 500 लोगों की ही इजाजत है तो बिना मास्क पहने अमित शाह और मोदी लाखों की भीड़ क्यों जमा करते हैं। वैक्सीन को लेकर भी मोदी हुकूमत हमेशा अपनी पीठ थपथपाती दिखाई देती है। 100 से भी ज्यादा मुल्कों को भारत वैक्सीन सप्लाई की बात कही जाती है, फिर भारत में ही वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही। WHO भी अब तक वैक्सीन पर इत्मीनान बख्श क्यों नहीं है। वैक्सीन को लेकर उमन यह बात कही जाती है कि 100% वैक्सीन आपको कोरोना से महफूज नहीं कर सकती, मतलब कमजोरी, खून की गांठियां, ब्रेन हेमरेज के मामले अगर सामने आ भी जाते हैं तो इन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि तुम उस 10% का हिस्सा हो, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। कई जगहों पर वैक्सीन के नाम पर कुत्ता काटने के बाद की वैक्सीन लगा दी गई है। कोरोना मर्ज से लेकर वैक्सीन और लॉकडाउन तक सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो UPSC, नीट और दिगर इम्तिहानात को भी कोरोना की वजह से रद्द किया गया, जहां स्कूलों को वैसे भी बंद किया गया। कहने का मतलब, कोरोना के नाम पर मुल्क को आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आवाम तो सवाल पूछेगी, जब इम्तिहानात को रद्द किया जा रहा है तो चुनाव क्यों रद्द नहीं किए जा रहे। अब तो तालुका, जिला, पंचायत के भी चुनाव का ऐलान किया जा रहा है, मतलब चुनाव छोड़कर कोरोना दीगर जगहों पर अपना कहर बरपा कर सकता है। और यही बात आवाम के गले नहीं उतर रही। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।